Hi guys, welcome back to the LearningShip. और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे how to wrap images around objects. इसमें हम एक कप लेंगे, उसके ऊपर एक टेक्सचर वाली इमेज अप्लाई करेंगे. Without wasting our time, let's start our video. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए if you are new on my channel. After that, इमेज को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है. After that, आप क्विक सिलेक्शन टूल लीजिए और कप को सिलेक्ट कीजिए. आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं, मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज कर रही हूँ. अब ओल्ड के साथ जो नहीं सिलेक्ट करना है आपको उस पर क्लिक कीजिए. ओल्ड के टाइम में आपका माइनस का निशान आता है, इस तरह आप कप को सिलेक्ट कर लीजिए जितने पार्ट पे आपको इमेज अप्लाई करनी है. अब कंट्रोल जे के साथ इसे अलग कर ले. आप देख सकते हैं ये पार्ट अलग हो चुका है. आफ्टर दैट जो टेक्सचर अप्लाई करना है, कोई इमेज अप्लाई करनी है, उसको ड्रैग ड्रॉप करें या कॉपी पेस्ट कर दें. यहाँ पे कंट्रोल टी कीजिए. कंट्रोल टी के साथ एक साइड से इसको ड्रैग करके छोटा कर लीजिए. कप के अकॉर्डिंग इसको सेट कर ले. कॉर्नर से ही ड्रैग करना है इसको. आफ्टर दैट अप्लाई कर ले. ब्लेंड में जाके इसको मल्टीप्लाई के साथ ब्लेंड कीजिए. अब क्या करना है, कंट्रोल टी कीजिए और वार्प टूल सेलेक्ट कीजिए. और इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ऑक्लर पे क्लिक कीजिए. अब ये शेप हमारे कप के अकॉर्डिंग दे रहा है. अब कस्टम को सेलेक्ट कीजिए सो दैट हम इसके पॉइंट्स को हिला सके. पॉइंट के साथ हम थोड़ा प्ले कर ले. अब इसके पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू कप सेट करें. सिंपली पॉइंट पे क्लिक करें, उसे ड्रैग करें अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ आर कप. अब एंकर को भी सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू शेप सेट कर सकते हैं. एंकर को भी साथ साथ में यूज करें. सेंटर से भी इसको नीचे ट्रैक कर सकते हैं. और इस तरह हम अकॉर्डिंग टू कप अपनी इमेज अप्लाई कर सकते हैं वार्प टूल के साथ. अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे सिलेक्ट करते हैं. अब जो हमने सिलेक्शन कर रखा था कप को, उसके अकॉर्डिंग इमेज अप्लाई हो जाएगी. कंट्रोल टी कीजिए, जहाँ पे स्पेस लेफ्ट रह गई या वाइट वाइट स्पेस रह गई तो आप कंट्रोल टी के साथ इसको सेट कर सकते हैं. क्लिपिंग कर रखा है तो आप जितना मर्जी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं. अब क्या करना है, कंट्रोल एल करना है और इस इमेज में ब्राइटनेस ऐड करनी है आपको. इतनी ब्राइटनेस ओके है. देन क्लिक ओके. अब यहाँ पे हम मास्क अप्लाई करेंगे. वाइट है तो ब्लैक हमारा ब्रश होना चाहिए. सॉफ्ट ब्रश यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे. और इसको यहाँ पे साइड्स में अप्लाई कर दे टू गिव इट्स रियलिस्टिक व्यू. इस तरह हम साइड से भी अप्लाई कर देंगे. दूसरी साइड भी अप्लाई करें. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं आप. इस तरह हमारा आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कप रेडी है हमारा. इफ यू लाइक द ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और कमेंट जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.